हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवन पंजाबी तड़का में। मैं हूँ सोनिका वर्मा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, बहुत ही इजी स्टेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने उसके लिए तो ली है मूली, इस तरह से उसको कट कर लेना है। अब इसका जो बाहर का पार्ट है उसको हम लोग निकाल देंगे हल्का सा, मतलब मूली को एकदम क्लीन कर लेंगे। तो ये जो मतलब मूली के पराठे हैं मोस्टली सर्दियों में बनाए जाते हैं। तो ये मैंने मूली को अच्छे से वॉश कर लिया है अभी, मतलब क्लीन करने के बाद में। तो एक ग्रेटर के हिस्से हम लोग इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। जो मतलब मोटा वाला हिस्सा है उस साइड से करना है, बारीक वाले हिस्से से नहीं करना है। तो ये हमारी मूली पूरी ग्रेट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि इसमें जो जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसको ऐसे पकड़ के दोनों हाथों से अच्छे से निचोड़ लेंगे, मतलब जितना भी इसमें पानी है ना वो पूरा अच्छे से निचोड़ लेना है, एकदम ड्राई कर लेना है। तो अगर पहले ही हम सॉल्ट डाल के रखते हैं तो बहुत आसानी से ये पानी रिलीज़ कर देती हैं, और बाद में जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो फिर दोबारा ये पानी ज़्यादा रिलीज़ नहीं करती हैं और स्टफिंग में कुछ दिक्कत नहीं आता है। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से पूरा पानी अच्छे से निकाल लेना है। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी कुछ इस तरह से रखे हुए हैं मैंने ऑलरेडी रेडी करके, तो बताती हूँ आपको। तो मैंने इसके लिए लिए मेथी, क्योंकि मेथी का भी सीजन है तो मैं इसमें मेथी भी ऐड करती हूँ। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ये मूली के पत्ते जो मैंने फेंके नहीं है, अच्छे से बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा करेंगे हरा धनिया, और थोड़ी सी हम लोग इसमें अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अजवाइन से जो पराठा है वो पचने में आसान होता है। किसी किसी को मतलब इससे गैस भी होता है। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे रेड चिली, थोड़ी सी डालेंगे ग्रीन चिली, और थोड़ा सा इसमें मतलब अदरक फ्रेश जो मैंने अच्छे से क्रश किया हुआ है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो इसके लिए आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, देखो इतना सॉफ्ट आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, इतना ही सॉफ्ट लगाना है। और हम आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए हमने दो सेम मतलब पार्ट आटे के इसे लोई बना के लेनी है, और हम इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। ऐसे राउंड एक रोटी बना लेना है। ये सबसे आसान स्टेप है स्टफिंग पराठा बनाने का। सेम जैसा वो बनाया उतने ही हमारे को सेकंड वाला पार्ट भी बनाना है। आप चाहे तो जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना वैसा भी बना सकते हैं, डायरेक्ट स्टफिंग कर सकते हैं, पर मोस्टली लोगों को मतलब दिक्कत होती है। तो ये स्टेप करेंगे ना तो आपका जो स्टफिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके पराठे फटेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हम इसमें भरेंगे, अच्छे से फैला देंगे मतलब पूरे उसमें, और दूसरी जो रोटी है उसको इस तरह से ऊपर से इस पर लगा देंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे सब जगह से, और जितना हो सके इसको हाथ से फैला लें दोनों तरफ से इस तरह से दबा के, ताकि ये खुले नहीं, अच्छे से इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से चिपक जाएं। थोड़ा सा इसको ड्राई आटा लगाएंगे दोनों तरफ और इसको हम लोग बेल लेंगे। मूली के पराठे हम लोग सर्व करते हैं मतलब चाय, बटर या फिर दही के साथ मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट में मोस्टली ये हम लोग मतलब बनाते हैं नॉर्थ में। तो इसके लिए मैंने लोहे का ही तवा यूज़ किया है, क्योंकि नॉन स्टिक में उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, तो मैं इसके लिए लोहे का ही तवा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हमारे को मतलब सेक लेना है पराठे को दोनों तरफ से, और इस पर आप चाहे तो देसी घी लगा सकते हैं, जो आप खाने में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो लगाइए, और इसको अच्छे से दोनों तरफ से पका लेना है। एकदम से हल्के मतलब सिम गैस पे ही रखना है थोड़ा सा, ताकि जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से अंदर पक जाए।
और एकदम से क्रिस्पी कर लेना है। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो एकदम क्रिस्पी कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पराठे रेडी हैं। वीकेंड में एंजॉय कीजिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।